이런 건데. ये रेडियो ज़रम्बिश उर्दू की आवाज़ है। पंचम्बे 9 अप्रैल साल 2020 के न्यूज़ बुलेटिन के साथ आपका मेज़बान हुमैरा बलोच। कोलवा में काबिज पाकिस्तानी फोर्सेस पर बलोच सरमाचारों का हमला, पंजबोर से 2 लाशें बरामद। दोनों वाकियात की जिम्मेदारी बीआरए ने कबूल की है। हरनाए से 4 अफराद मुसल्ला अफराद के हाथों गिरफ्तार होने की इतला। वॉइस पर बलोच मिसिंग पर्संस का एहतजाजी कैंप दोबारा क्वेटा में कायम। यंग डॉक्टर्स का बलूचिस्तान हुकूमत के साथ कामयाब मुजाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान। ये थी आज की चंद अहम खबरों की सुर्खियां। आइए न्यूज बुलेटिन के पहले हिस्से में बलूचिस्तान से मुतल्लिक खबरें दोस्तिन मुराद बलोच से सुनते हैं। आवारान में कोलवा के इलाके बलोर के मकाम पर कायम काबिज पाकिस्तानी फौज के एक चेक पोस्ट पर मुसल्ला अफराद ने जदीद और खुदकार हथियारों से हमला किया है। हमले में काबिज फौज को जानी और माली नुकसान का सामना रहा है। हमले के बाद हमला आवर फरार हो गए हैं। बलूच रिपब्लिकन आर्मी के तर्जमान बीबग्र बलूच ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि मंगल के रोज काबिज पाकिस्तानी फोर्सेस के एक चौकी को निशाना बनाया। हमले में हमारी तरफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें काबिज पाकिस्तानी फोर्सेस के मुतअद्दिद अहलकार हलाक व जख्मी हुए। बीबग्र बलोच ने मजीद कहा है कि बलोच वतन से काबिज पाकिस्तानी फोर्सेस की इनखिला तक उनकी मुसल्लह कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पंजगुर से 2 अफराद की लाशें बरामद हुई है, जिन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। दोनों अफराद की शनाख्त पंजगुर के इलाके गिचक और वाशुक के इलाके बेसेमा से ताल्लुक रखने वाले बख्तियार अहमद और मयार के नामों से हुई है। दूसरी तरफ बलोच रिपब्लिकन आर्मी के तर्जमान बीबग्र बलोच ने कहा है कि उनके सरमाचारों ने 30 मार्च को पंजगुर के इलाके गिचक से रियासती डेथ स्क्वाड के 2 कारिंदों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कमांडेंट पंजगुर के हुक्म के तहत पहाड़ी सिलसिलों में बलूच सरमाचारों के आमद और रफ्त की निशानदही और नक्शा कशी में मसरूफ थे। गिरफ्तार मुलजिमान से तंजीम की जानिब से कायम तहकीकी कमेटी ने तफसीली तफ्तीश किया, जिसमें मुलजिमान ने अपने जराइम का इतराफ किया कि गिच के पहाड़ी सिलसिले में उनके आमद का मकसद पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से होने वाले ऑपरेशन में उनके लिए मालूमात इकट्ठा करना था। इसके अलावा मुजरिमान ने BLF के 2 सरमाचारों और दीगर आम अफराद की शहादतों में मुलविस होने का इकरार भी किया, जिस पर तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर मजकूरा मुजरिमान को बुध की रात गिचक में फायरिंग करके हलाक किया गया। बीबग्र बलोच ने मजीद कहा है कि मुजरिमान की एतराफी वीडियो जल्द मीडिया में शाये किया जाएगा। हरनाई से मुसल्ला अफराद ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। मकामी इंतजामिया के मुताबिक नामालूम मुसल्ला अफराद ने बलूचिस्तान के इलाके हरनाई से कोयला कानून में काम करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार करके अपने हमरा ले गए, जिनका ताहल कोई इल्म नहीं। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में अपना एहतजाजी कैंप दोबारा कायम कर दिया है। एहतजाज की कयादत वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के रहनुमा मामा कदीर बलोच कर रहे हैं। वाज़ रहे एहतजाज को गुज़िश्ते दिनों कोरोना वायरस के बायस मुआखिर कर दिया गया था। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच का इस हवाले से कहना था कि कोरोना वायरस के वबा के बायस हुकूमत बलूचिस्तान के लॉकडाउन के हुक्मनामे की पासदारी करते हुए हमने 14 दिन के लिए अपना एहतजाज मुआखिर कर दिया था। ताहम इन दिनों में हमारे 50,000 लापता को न रिहा किया गया और न ही उन्हें मंजरियां पर लाया गया, बल्कि इस दौरान मजीद लोगों को उठाया जा रहा है, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। दूसरी तरफ वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस की जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि 2 जून 2015 से लापता गुलाम फारूक की वालिदा बिस्तर मर्ग पर भी 3 दिन मुतवातिर अपने बेटे को याद करते हुए वफात पा गई हैं। गुलाम फारूक की वालिदा अक्टूबर 2018 से वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के एहतजाजों में इस उम्मीद से शिरकत कर रही थी कि कोई उसकी फरियाद सुने और उसे इंसाफ फराहम करें।
पंजगुर में पुलिस ने चादर और चार दीवारी की परवाह किए बगैर एक घर में घुसकर तोड़फोड़ करके शोएब वलद इनायतुल्ला नामी शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसकी गिरफ्तारी के खिलाफ उसके लवाहिकीन ने डीपीओ ऑफिस के बाहर धरना देकर एहतजाज किया है। लवाहिकीन का कहना था कि पुलिस ने शोएब को बिलावजह गिरफ्तार कर लिया है और छापे के दौरान पुलिस के साथ कोई लेडीज अहलकार भी नहीं था। ताहम बाद अजां डीएसपी की यकीन दहानी पर खवातीन ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। लोरालाई पुलिस ने कार्रवाई करके संजावी के इलाके अकबर्ग से अगवा होने वाली एक खातून को उनके दो बच्चों समेत बाजियाब किया है। डेरे अल्लाह यार में गुर्बत का मारा एक 28 साल सोबल खान ने गुर्बत से तंग आकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा दी है, जिसे तश्वीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डेरा अल्लाह यार मुंतकिल कर दिया गया है। बोलान में बाला नाड़ी के इलाके तोरबंद लाशारी में घरेलू तनाजे पर फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ है। तफ्तान में सैंदक क्रास पर एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल में तसादम के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार दो अफरा शदीद जख्मी हो गए हैं। दुक्की में एक मकामी कोयला कान में ट्राली की टक्कर से एक कानकुन हलाक और एक जख्मी हुआ है। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शहवानी ने कोरोना के 4 नए केसेस की तस्दीक करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 210 हो गई है। उनका मजीद कहना था कि कोरोना से मुतासर मकामी अफराद की तादाद 69 हो गई है, जबकि सेहत याब अफराद की तादाद बताते हुए लियाकत शहवानी का कहना था कि बलूचिस्तान में अब तक 76 अफराद सेहत याब हो चुके हैं। दूसरी तरफ मगरबी बलूचिस्तान में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, जहां 2 दिनों में मुख्तलिफ इलाकों से कोरोना वायरस के मजीद 19 मरीजों के टेस्ट मुस्बत आने के बाद मजमुई तादाद 313 हो गई है, जबकि 24 अफराद अब तक हलाक हुए हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बलूचिस्तान के तमाम कमिश्नर्स, डीआईजीज और एसपीज को हिदायत की है कि वो लॉकडाउन के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराएं, क्योंकि स्कूल्स, दफातर और तजारती मराकज बंद हैं, मगर लोग लॉकडाउन को छुट्टियों के तौर पर इंजॉय कर रहे हैं। ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। अदालत ने मोहकमे तालीम और बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन को हिदायत की है कि वो माहाना फीस से मुतालिक प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के साथ मुजाकिरात करे। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन को मजीद सख्त करते हुए खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है, जबकि पुलिस ने दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर मुतादिद लोगों को गिरफ्तार किया है और डबल सवारी पर मुतादिद मोटरसाइकिलों को कब्जे में लेकर थाना मुंतकिल कर दिया है। बलूचिस्तान में हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान बुध की रात गए मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद डॉक्टरों ने हस्पतालों में मुख्तलिफ सर्विसेज के बाइकाट के खात्मे का ऐलान करते हुए उनको फौरी तौर पर बहाल कर दिया है। दूसरी तरफ कठपुतली वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का मुज़ाकरात की कामयाबी पर ट्वीट करते हुए कहना था कि हम सब को मिलकर बड़े मकसद को हासिल करना है और मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करना है। यंग डॉक्टर्स के असातिज़ा ने अस्पतालों में तमाम सर्विसेज की मुअत्तली से लातालुकी का ऐलान करते हुए कहा है कि हम ऐसी सूरत हाल में तमाम सर्विसेज की मुअत्तली को अच्छा इकदाम नहीं समझते, क्योंकि ये वक्त बाइकाट का नहीं बल्कि खिदमात का है। बोलान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन का मजीद कहना था कि वो यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स पर पुलिस तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करते हैं और कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमती इकदामात किसी सूरत काबिले इत्मीनान नहीं। हुकूमत अपने फैसलों पर नजरसानी करके तमाम स्टेक होल्डर्स को इतमाद में लेकर तमाम हेल्थ वर्कर्स को हिफाजती किट्स और आइसोलेशन के लिए बाइज्जत जगह का ऐलान करें। नेशनल पार्टी के रहनुमा हासिल बिजिंजव ने कहा है कि हुक्मरानों की नाअहली और गलत पॉलिसियों के सबब मुल्क बहरान में मुबतला होता चला जा रहा है और कोरोना वायरस के मरीजों में तश्वीशनाक हद तक इजाफा हुआ है, जिसके तदारुक के लिए कोई भी खातिर ख्वाह इकदाम नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि इसके बरअक्स डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, नर्सेज और दीगर स्टाफ के हिफाजती इंतजाम के लिए निकाले जाने वाले मुजाहरे को बेदर्दी से कुचला गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी सीनियर नायब सदर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने इंतजामिया की तरफ से डॉक्टरों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा है कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ताकत का सहारा ले रही है।
उनका मजीद कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के बजाय अवाम को असल हकायक से आगाह करें। क्वेटा शहर को कर्फ्यू में तब्दील करने के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो जमहूरी अमल के खिलाफ है। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा और पश्तून कौमी जिरगे के कन्वेनियर नवाब अयाज खान जोगीजई ने कहा है कि विफाक और बलूचिस्तान हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि डॉक्टरों को तिब्बी आलात फराहम न करना सूबाई हुकूमत की नाअहली है और डॉक्टरों में कोरोना वायरस की तशखीस तशवीशनाक अमल है। अब इलाके और आलमी खबरें खलील वाडिला पेश करेंगे। पाकिस्तान की फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली वजीरिस्तान और मोहम्मद एजेंसी में कार्रवाई करके 7 शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा किया है। पाक फौज के शुबाए तालुकात आमा ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेज ने दोनों कार्रवाइयां इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की। बंदोबस्त पाकिस्तान सिंध में हाईकोर्ट ने ममनुआ लिटरेचर रखने के इल्ज़ाम में सजा पाने वाले सीनियर सहाफ़ी और कराची प्रेस क्लब के रुकन नसरुल्ला चौधरी को बाइज्जत बरी कर दिया है। याद रहे 30 दिसंबर 2019 को कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नसरुल्ला चौधरी को 5 साल कैद 10,000 रुपये जुर्माना जबकि जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में मजीद 1 माह की सजा का हुक्म दिया था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 3 अपराध हलाक हो गए हैं जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 58 हो गई है जबकि मजीद नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरा अपराध की मजमूई तादाद 4,196 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए माली माहौनत के खिलाफ 13 पुल प्रूफ इंतजाम से मुतलक रिपोर्ट जमा कराने में 5 माह का इजाफी वक्त मिल गया है। ऐसा कोरोना वायरस के बायस हुआ है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर अटारनी जनरल की तजावीज़ मंजूर कर ली हैं। अटारनी जनरल ने जेलों से कैदियों की रिहाई के बारे में तजावीज़ दी है कि ख्वातीन और बच्चों पर तशद्दुद में मुलव्वस अंडर ट्रायल मुलजमान को जमानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। सिंध में महकमा तालीम निजी स्कूलों को अप्रैल और मई की फीसों में 20% रियायत देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। महकमा तालीम ने तमाम निजी स्कूलों को फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत की है। हुक्मनामे में कहा गया है कि अमल दरामद न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ निजी स्कूलों की तंजीमों ने स्कूल फीसों में कमी का हुकूमत सिंध का हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने अफगान हुकूमत को खबरदार किया है कि आपस के इख्तलाफात खत्म करके तालिबान से मुआहदा करें वरना सदर ट्रंप अमरीकी फौजियों का मुकम्मल इनकला और अफगानिस्तान की इमदाद रोक देंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने अफगान क़यादत को इख्तलाफात खत्म करने और तालिबान से मुआहदा करने की तनबिया 2 हफ्ते पहले दौरा अफगानिस्तान के दौरान की थी। बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल में मुलव्वस मफरूर बांग्लादेशी फौजी कैप्टन को 25 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मफरूर फौजी कैप्टन अब्दुल मजीद को बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में एक रक्षा में सफर के दौरान गिरफ्तार किया गया है। मफरूर फौजी कैप्टन हाल ही में भारत से वापस आया था। बांग्लादेशी वजीर इंसाफ ने कहा है कि मफरूर कैप्टन अब्दुल मजीद की सजाए मौत पर अमल दरामद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बांग्लादेश के वजीर इंसाफ का यह भी कहना था कि मफरूर कैप्टन बांग्लादेशी सदर अब्दुल हमीद से रहम की अपील कर सकता है। साबिक ब्राजीलियन फुटबॉलर रोनाल्डिनियो को घर में नज़रबंद कर दिया गया है। उन्हें जाली पासपोर्ट रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। साबिक ब्राजीलियन फुटबॉलर रोनाल्डिनियो को पैराग्वे से जमानत पर रिहाई मिल गई है लेकिन वो घर में नज़रबंद रहेंगे। रोनाल्डिनियो और उनकी बाई को पैराग्वे का जाली पासपोर्ट रखने पर 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मुतासर अफराद की तादाद 14,85,500 हो गई है। मुतासरीन की सबसे ज्यादा तादाद अमेरिका में है जो 4 लाख से ज्यादा है जबकि हलाकतों की तादाद 87,200 हो गई है। 17,006 हलाकतों के साथ इटली पहले, 14,600 और 14,200 हलाकतों के साथ स्पेन दूसरे और अमेरिका तीसरे नंबर पर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के सरबरा और पेमेंट ऐप स्क्वायर के बानी जेक डोर्सी ने कहा है कि वो अपनी दौलत का 88% हिस्सा कोरोना वायरस से बचाव के लिए उठाए जाने वाले इकदाम पर खर्च करेंगे।
चीन की हुकूमत ने हालात बेहतर होने पर मुल्क में कोरोना वायरस के मरकजी शहर वुहान से 11 हफ्तों के तवील लॉकडाउन को खत्म कर दिया है। खबर एजेंसी AP के रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हकाम ने 1 करोड़ 10 लाख से जायद आबादी के अमल शहर में आवाम को सरगर्मियां बहाल करने की इजाज़त दे दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारे सेहत WHO पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि वो चीन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं और साथ ही खबरदार किया है कि वो इस एजेंसी के लिए अमरीकी माली एानत पर पाबंदी लगाएंगे। अमरीकी साइंसदानों ने दावा किया है कि उन्होंने इस कोरोना वायरस का कमज़ोर पहलू दरियाफ्त कर लिया है। तहकीकाती इदारे स्क्रिप्स रिसर्च की तहकीक में बताया गया है कि वायरस के एक मखसूस हिस्से को वैक्सीन से अदब बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ माहरीन ने कहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की वजह से निस्बतन कम लोग शिकार होंगे। माहरीन के मुताबिक इंसान की कुव्वत मुदाफ़त वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कम अफराद इस वायरस का शिकार होंगे। आज की न्यूज़ बुलेटिन का यहीं पर अख्तितम होता है। हमेरा बलोच को इजाज़त दीजिए।